अच्छा जी, मेरा जो है बड़ा गंदा सीन हो गया आज, और जितनी भी वीडियो देखेंगे आप अगली, वो सारी की सारी अंधेरे में होगी। अंधेरे में इसलिए क्योंकि रात को रिकॉर्डिंग की है भाई, और रात को रिकॉर्डिंग के साथ आपको अंधेरा ही मिलेगा। दिन को रोशनी होती है, उजाला होता है, रात को तो भाई अंधेरा ही अंधेरा होता है ना यार, तो समझ रहे हो ना ये सीन है। हाँ भाई, कराची होता है, कराची घोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं अभी। आप लोग देख रहे हैं कि अंधेरे गली में मैं घूम रहा हूँ, और मैं तलाश हूँ कहीं स्क्रीन मुझे मिल जाए, मगर कहीं पर अभी तक स्क्रीन नहीं मिल रही। पूरा लाड़काना घुमाया हूँ, हो सकता है कोई एक दो जगह रुक गई हो, रह गई हो जहाँ मैंने विजिट ना किया हो, मगर यार बहुत घुमा हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए घूम रहा हूँ, मगर कोई स्क्रीन मुझे नज़र नहीं आ रही जहाँ मैं देखूँ, क्योंकि मैंने कराची में ये आदत डाली हुई थी कि फाइनल यार स्क्रीन पर देखना, वो भी बड़ी वाली स्क्रीन, मगर अफसोस ये लड़काना है और यहाँ पर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मुझे अभी तक। अब वहाँ पर पूरा मैच ख़त्म होने वाला है और मैं अभी तक स्क्रीन की तलाश में हूँ, स्क्रीन मिल जाए। अरे भाई पता नहीं कितने 52 दो आउट हो गए थे 5 के ओवर में, और पता नहीं कौन कौन खड़ा था, मैंने अभी थोड़ा फेसबुक पे देखा था, मगर अभी मुझे पूरा मैच देखना था, और मैं ना किधर करा ना उधर करा। वो अच्छा होता कि घर पर बैठा होता और फेसबुक पर देख रहा होता, मगर ये कि बैटरी लो है मोबाइल की, अभी भी 8 या 10% है। और क्या बताऊँ मैं, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आई मिस यू कराची एंड आई मिस यू कराची की बड़ी वाली स्क्रीन आई मिस यू। अब मैं घर पे क्या मुँह दिखाऊंगा जाके, क्या कहूँगा कि मैं स्क्रीन में मैच देखने गया था, मैं मैच ही देख पाया, इतनी अफसोस की बात, डूब मरने का मौका मेरे लिए। तो घर वाले मुझसे बहुत हंसेंगे, मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, मैं सोच रहा मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसा लगा मेरा आप लोगों का आइडिया घर ना जाने वाला, वैसे मेरे साथ तो कुत्तों वाली हो गई, मगर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि कुत्ते तो मैच ही नहीं देखते। अब मैं दुआ करूँगा कहीं टीवी नज़र आ जाए, टीवी जो होता है छोटा वाला टीवी, ताकि मैं उसे मैच देख लूँ कि कौन जीता कौन आ रहा, छोटा वाला मुन्ना वाला टीवी मुझे नज़र आ जाए, ताकि मैच देख सकूँ, अपडेट ले लूँ यार। गुड न्यूज़ ये है कि अभी मुझे 2-4 दोस्त मिले, बोले कहाँ घूम रहे हो गली में, कहाँ खुआर हो रहे हो। मैंने कहा कि यार मैच देखने के लिए स्क्रीन ढूंढ रहा हूँ, बोले स्क्रीन क्या होता है, मैंने बोला टीवी को LED कोई भी मिल जाए मुझे मैच देखना है। उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ पे लोग देख रहे हैं मैच। मैंने कहा थैंक यू, लव यू। तो आप लोग टावर देख रहे हैं, इस टावर के मैं गोल बोल घूम के आया। अब गोल बोल घूमने का मतलब ये नहीं तवाफ करना, और बहुत दूर दूर तक मैं गया हूँ, और अभी वापसी इससे आगे जाना पड़ेगा मुझे, ताकि मुझे कोई स्क्रीन मिल जाए। बड़ा दूर तक चल कर आ गया हूँ, मगर अभी तक कोई स्क्रीन नज़र नहीं आई। चले मैंने तो स्क्रीन का तस्वीर ख़त्म कर दिया, मैंने कहा टीवी नज़र आ जाए कहीं पर, टीवी छोटा सा टीवी होता है, टीवी और टीवी भी नज़र नहीं आ रहा। वो जहाँ पर नज़र आया तो एक जगह पर रेसलिंग चल रही थी, एक जगह पर फिल्म चल रही थी, फिल्म बोले तो मूवी देखने का। फाइनली मुझे बड़ा अच्छा स्क्रीन नज़र आ रहा है सामने से, और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे और देख रहे हैं, सॉरी खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ मैच चल रहा है। आप लोग दिखा देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी मेहनत में कामयाब हो गया, मैं पसीने पसीने हो गया, कुत्ते वाली हुई मगर मेहनत में कामयाब ज़रूर हुआ। हाँ जी, मेरे साथ जो हुई वो कुत्ते वाली हुई, अल्लाह करे कभी किसी के साथ ना हो, ना ही आपके साथ हो। देख लें ये स्क्रीन लगा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैच इन्जॉय कर रहे हैं, और मैं भी मैच इन्जॉय करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर भी लोग बैठे हैं, छतों पे लोग बैठे हैं भाई, खचा खच स्टेडियम जो भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग देखने के लिए बहुत सारे आए हुए हैं। और ये देखो ना, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे लोग ही लोग बैठे हुए हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन, ये देखिए ये वेन वगैरह खड़ी कर दी इनके ऊपर बैठे हुए हैं। ये तो मुझे लग ही रहा है ना कि कोई लड़का ना है, ऐसा कोई सीन नज़र आ जा रहा है। वाह यार ज़बरदस्त, इतनी आवाम यानी कि अभी भी क्रिकेट देखने वाले जो है ना शायकीन बहुत हैं। और ये आउट हो गया, और उसके आज से बल्कि आउट होने के बाद लोग बस बोल रहे हैं आखिरी उम्मीद हमारी चलेगी, और सारे के सारे जा रहे हैं बाहर स्टेडियम खाली कर, मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से भाई चलो। तो ये था मैच ख़त्म होने में, अभी 10 बॉले बाकी ही हैं, और नसीम शाह के आउट होने के बाद मैं तो ग्राउंड छोड़ के आ गया भाई, स्क्रीन छोड़ के आ गया, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई मैं इससे ज़्यादा मैच देखूँ, अगर इससे ज़्यादा देखूँगा तो पारा जो है वो हाई हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, होता है, मगर हर बार फाइनल में ऐसा क्यों होता है। मेरे हाथ में है ये गिम्बल और ये कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ तो मैं भी रात को जाके खाऊंगा ना, क्योंकि नींद नहीं आएगी इसे मुझे। और ये जो गिम्बल आप देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि यार राय भाई आपके हाथ में गिम्बल है तो आप मोबाइल जो इसमें अटैच करके वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, हाथ से वीडियो क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जारी बात है, अब मैच हार गए तो थोड़ा बहुत अच्छा तो होगा ना, ये समझो कि उसी का इशार है और कुछ नहीं है। एक तो मैंने आधे से ज़्यादा टाइम लगा दी इस चीज़ के पीछे फार होने में, तो मुझे LCD मिल जाए, स्क्रीन मिल जाए बड़ी वाली स्क्रीन, मगर स्क्रीन मुझे नज़र नहीं आई। और जब स्क्रीन नज़र आई तो उसमें जो मैच नज़र आया यार, वो ना नज़र नहीं आ रहा था, मुझे क्या हो रहा था, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैं तो उसमें कोई मुझे बता देगा कमेंट में कौन जीता था मैच, ये तो बहुत ज़्यादा ही आउट हो गया। चल भाई, मैं गिम्बल लेके गया था, आपको ये कहानी बता दूं, मैं गिम्बल लेके गया था कि मैंने देखा कि बड़ी स्क्रीन होगी, मैच देख रहे होंगे लोग, और पाकिस्तान तो वैसे ही जीतेगा, तो और लोगों की खुशी में देखूंगा, और आप लोग दिखाऊंगा कि लड़काना के लोग भी खुश होते हैं, जलते नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी और हमें जलते नहीं, हम पाकिस्तान के मैच को इन्जॉय करते हैं। और जाहिर बात है गिम्बल लेके गया था, मैंने देखा सोचा कि लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, लड़की नाचेंगे डांस करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर मसला ये हुआ कि हम लोग जीते नहीं, हम लोग हार गए। जब हार गए तो उसको हमसे सेलिब्रेशन होगी, जब सेलिब्रेशन नहीं होगी लोग लगेंगे नहीं, और लोगों की जली हुई और सड़ी हुई बैगन की तरह की शक्लें दिखा के
हैं आप लोग क्या करूँगा, इसलिए कुछ भी नहीं, नो सीन, ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे और मस्ती करेंगे। तो जा रहा हूँ घर में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ, बस लोगों की शक्लें देख रहा था, और शक्लें देखने के साथ साथ वो भी बात सुन रहा था कि यार ये लोग तो खेलना नहीं आता, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, शायद आफ्रदी, शायद आफ्रदी, शायद आफ्रदी, और बुम 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 की बातें हो रही थी। तो ये बातें आप लोगों को बता के क्या करता, इसलिए मैंने सोचा कि बस फाइनली फैसला करते कि मैं जा रहा हूँ घर, और दुआ करना कि मुझे नींद आ जाए, और मैं दुआ करूँगा कि आप लोगों को नींद आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।